स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रणथंभौर का चौहान वंश। आज के वीडियो में हम रणथंभौर के चौहान वंश से जुड़े वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रीट, हाईकोर्ट, LDC या EORO में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर जल्द से जल्द हम क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो फटाफट से हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की नींव पड़ी थी। तो आप सभी जानते हैं जो चौहान वंश का सबसे प्राचीन स्थल था वो था सांभर, यानी कि जो सांभर के चौहान वंश थे यहीं से एक शाखा निकली थी जो कि अजमेर के चौहान वंश कहलाए, और अजमेर के चौहान वंश के से ही एक शाखा अलग हुई थी जिसको कि रणथंभौर का चौहान वंश कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज तृतीय जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी से हार गए थे, तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र जिनका नाम था गोविंद राज, इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद, यानी कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसके पश्चात उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी और उन्होंने एक तरीके से मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो पहला क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो गोविंद राज, जिन्होंने कब स्थापना की थी तो यह भी आपको याद रखना है 1194 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर दो है, गोविंद राज ने किस वर्ष रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो अभी हमने जाना है कि 1194 में गोविंद राज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करने के साथ ही। क्वेश्चन नंबर तीन है, 1226 में इल्तुतमिश के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है कि रणथंभौर में उस समय चौहान वंश का शासन था। रणथंभौर का जो चौहान वंश था इसका समय काल काफ़ी कम था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1194 में इन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी गोविंद राज ने, और इनका अंतिम शासक जो था वो था हमीर चौहान जो कि 1301 में जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तरीके से जो इनका शासनकाल रहा वो 107 वर्षों का शासनकाल था, और इस 107 वर्षों के शासनकाल में कुल 6 शासकों ने शासन किया था, यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश में कुल 6 शासक हुए थे। सबसे पहले संस्थापक थे गोविंद राज, इनके बाद इनका पुत्र था वालण देव, जिसके पश्चात प्रहलाद और वाग्भट का शासन हुआ था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दो शासक आते हैं जिनका नाम है जेत्र सिंह और हमीर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1226 में जब इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था तो वालण देव रणथंभौर के चौहान वंश का शासक था। अब ऐसा क्यों हुआ था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोविंद राज ने 1194 में मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करते हुए रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी, लेकिन जब उसका पुत्र वालण देव शासन करने लगा तब उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। इस कारण 1226 में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था वालण देव पर जो कि उस समय रणथंभौर का शासक था। क्वेश्चन नंबर चार है, जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो अभी हमने जाना है कि जेत्र सिंह जो कि हमीर का पिता था, इसके 32 वर्षों के शासनकाल की याद में इसके पुत्र हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, और ये कहाँ पर करवाया गया था, तो ये रणथंभौर दुर्ग में करवाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है, तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग में। जो जेत्र सिंह था इसका शासनकाल रहा था 1250 से लेकर 1282, यानी कि 32 वर्षों का शासनकाल था, और इसी की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई गई थी रणथंभौर दुर्ग में, और इसे बनवाया था हमीर चौहान ने। क्वेश्चन नंबर पाँच है, जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण कब हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था सन 1291-92 में जो कि असफल रहा था। तो आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था 1291-92 में। क्वेश्चन नंबर छः है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, ये कथन किसने कहा था। तो अभी हमने जाना है कि 1291 में रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। जब वो असफल हो गया तो उसने जाते समय एक बात कही थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ये कथन था जलालुद्दीन खिलजी का। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व तो नहीं देता हूँ, ये किस दुर्ग के लिए कहा गया था। तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था जिस पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने और वो असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर सात है, हमीर चौहान ने किस मंगोल सेनापति को शरण दी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक इतिहास जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर शरण क्यों दी गई थी।
तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। इसने सन 1299 में अपनी एक सेना भेजी थी गुजरात विजय के लिए, यानी कि इसकी एक सेना गुजरात विजय के लिए जाती है। वहाँ से जो है कई प्रकार के सामान लेकर आती है, यानी कि वहाँ से जो है कई चीज़ें जीत कर लाती हैं। तो आते समय जालौर के निकट अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और मंगोल सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद शाह, इनके मध्य उस माल को बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हो जाता है, जिसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर उसके सेनापति यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे इनके द्वारा जिन लोगों ने विरोध किया था यानी कि जो मंगोल सरदार थे उनका दमन किया जाता है। और उसी में से मोहम्मद शाह वहाँ से भागकर हमीर चौहान के पास चला जाता है शरण में। जब अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को वापस देने के लिए हमीर चौहान से अनुरोध करता है, तब हमीर चौहान उसके इस अनुरोध को ठुकरा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमीर चौहान ने मंगोल सेनापति को शरण दी थी जिसका नाम था मोहम्मद शाह, और जिसके कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ? तो जैसा कि अभी हमने जाना है कि मंगोल सेनापति को नहीं लौटाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर घेराबंदी रही थी और 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि 1301 में ही राजस्थान का पहला शाखा हुआ था। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला ये कि राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ? 1301 में हुआ था। राजस्थान का जो पहला शाखा था उसका संबंध किस दुर्ग से है? तो रणथंभौर दुर्ग से है। साथ ही आपको याद रखना है यहाँ पर केसरिया और जौहर हुआ था, यानी कि शाखा हुआ था। केसरिया किया था हमीर चौहान ने और शाखा किया था उसकी पत्नी रंग देवी ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पहला शाखा था इसमें जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि हमीर चौहान की पत्नी थी। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि हमीर की जो पुत्री थी उसने यहाँ पर जल जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर वो भी रणथंभौर दुर्ग से जुड़ा है, जो कि 1301 में हुआ था। तो ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये कथन किसने कहा था? तो आपको याद रखना है कि जब हमीर चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है यानी कि रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया जाता है, तब वहाँ पर जो प्रत्यक्ष उपस्थित था उस व्यक्ति का नाम था अमीर खुसरो, और उसने इस विजय पर कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है ये किस विजय के उपरांत कहा गया था? तो रणथंभौर विजय के उपरांत कहा गया था, जो विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये कथन था अमीर खुसरो का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमीर महाकाव्य के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमीर चौहान थे इन पर 4 ग्रंथ लिखे गए थे, उन 4 ग्रंथ को आपको याद रखना है। सबसे पहला है कि हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो रचयिता थे ये थे नयन चंद्र सूरी। साथ ही आपको कुछ नाम और याद रखने हैं, जैसे कि हमीर रासो ये लिखा था जोधराज ने, हमीर नारायण लिखा था व्यास भांड ने, और हमीर हट के रचयिता थे चंद्रशेखर। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपने पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। तो आपको ये नाम ज़रूर याद रखने हैं, हमीर रासो जिसके लेखक थे जोधराज, हमीर नारायण के लेखक थे व्यास भांड, हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर, और जो हमीर महाकाव्य है उसके लेखक थे नयन चंद्र सूरी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये रणथंभौर का जो चौहान वंश था जिसका शासनकाल 107 वर्षों का रहा, यानी कि काफ़ी कम समय तक इन्होंने शासन किया था। तो इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले समय में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।